आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। उधर जिला अस्पताल में काली पट्टी बांधकर चिकित्सक विरोध कर रहे हैं, किस चीज का विरोध है और क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हमारे मध्य प्रदेश शासकीय चिकित्सक महासंघ के बैनर तले पूरे जितने भी आपके चिकित्सा शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग, आपके श्रम विभाग के अंतर्गत ESI के चिकित्सक, गृह विभाग और भी प्राइवेट जो संस्थाओं के चिकित्सक भी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं चिकित्सा बचाओ, चिकित्सक बचाओ, यह नारा हमको आंदोलन में दिया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार शासन तो पूरे राज्य में चिकित्सा सेवाओं की दुर्गति बहुत बुरी हो चुकी है, पूरी चरमरा रही है। हम पिछले 5 साल से सरकार से मांग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं की इसमें सुदृढ़ करने के लिए आप कुछ सख्त कदम उठाइए, लेकिन सरकार हाँ करती है, आश्वासन देती है, लेकिन करती कुछ नहीं है। आज हालात ये हो रहे हैं कि हमारे चिकित्सा संस्थाओं को चलाने के लिए हमारे पास में वार्ड बॉय नहीं है, स्वीपर नहीं है, हमारे ड्रेसर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, इस वगैरह से अब अस्पताल चले गया कैसे? सरकार चिकित्सकों की भर्ती करती है, स्टाफ नर्स की भर्ती करती है, लेकिन हमारे पैरामेडिक जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसकी भर्ती नहीं कर रही है। 87 में आपकी कंपाउंडर की भर्ती हुई थी, उसके बाद कोई भर्ती बंद है। मतलब ड्रेसर की भर्ती कब हुई थी मुझे खुद नहीं पता, कितने साल पहले बंद कर दी गई है। आप लोगों की मांगे शासन से कि हमारी मांगे ये है कि हमारी स्वास्थ्य संस्थाओं को, चिकित्सा सेवाओं को आप बचाइए, क्योंकि जनता डायरेक्ट जुड़ी हुई है, गरीब जनता जो प्रदेश की है वो शासकीय अस्पतालों में आती है इलाज कराने के लिए और उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, उनको यहाँ से आता है हम रेफर कर देते हैं, मतलब उनको हम सिर्फ डिस्पोज कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं। छोटी मोटी बीमारियों का इलाज होता है, वो कोई इलाज नहीं, क्योंकि आज तक जो टेक्नोलॉजी के हिसाब चिकित्सा सेवाएँ काफ़ी विकसित हुई है, लेकिन हमारे शासकीय संस्थाओं में वो चीज़ें उपलब्ध नहीं है जो प्राइवेट अस्पतालों में होती है। क्या रूपरेखा आपके आंदोलन की? हमारी रूपरेखा ये है कि हमने आज जो 15 तारीख से काली पट्टी बांध के विरोध जता रहे हैं और कल यानी 16 तारीख से 2 घंटे के लिए काम बंद रहेगा, इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो 17 तारीख से पूर्ण रूप से काम बंद किया जाएगा। ये हमारी सरकार ने आपका नाम और परिचय है? डॉक्टर RC वर्मा, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ।